खबर लखीसराय से है। बिहार में अपराधियों ने पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ताजा मामला लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के रेहुआ गांव की बताई जाती है, जहां बेखौफ अपराधियों ने आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि रेहुआ निवासी 47 वर्षीय बबलू कुछ लोगों के साथ अपने दलान पर बैठा था। उसी वक्त घात लगाए अपराधियों ने बबलू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को ले जाकर दलान से कुछ दूर फेंक दिया। घटना के बाद ग्रामीण एवं परिजन काफी आक्रोशित हैं। लोगों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर पहुंचे SDPO रंजन कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। किसी है उनके दलान पे बैठे हुए थे आपस में साथ, दो चंदन यादव और एक और अजय यादव सब साथ में बैठ के उसी क्रम में गोली मारकर बबलू सिंह की हत्या कर दी गई और लाश को वहाँ से थोड़ी दूरी पे हटाकर कि मतलब छुपाने का भी प्रयास किया गया, जिसमें से एक आदमी उठ गया है जय। बाकी हम लोग अब पूछताछ के बाद भी कांड का उद्भेदन करते हैं। घटना स्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है? एक खोखा मिला है, 315 का खोखा है। क्या कुछ लग रहा है घटना का कारण सर? घटना का ये पूर्व बबलू सिंह का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है और उसी को लेकर ही इनकी हत्या।